आईएमटी यूनिवर्सिटी में दो छात्र गुटों के बीच फायरिंग की खबर आ रही है। फायरिंग और पथराव होते ही वहां पर भगदड़ मच गई। फायरिंग करके भागते आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फायरिंग करने वाले छात्रों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि आईएमटी यूनिवर्सिटी में अभिषेक भड़ाना और उदित बीटा के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है और इसी दौरान कल भिड़ंत हो गई और इसके बाद फायरिंग और पत्थरबाजी की घटना सामने आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मेरठ से बड़ी अपडेट और उसका सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। फायरिंग और पथराव होने की खबर है। दो गुटों के बीच वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ, उसके बाद फायरिंग और पत्थरबाजी। आइए और विस्तार से जानते हैं सनुज शर्मा से, हमारे संवाददाता मेरठ से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। बताइए सनुज, क्या देखा आपने? देखिए मामला बेहद गंभीर है, छात्रों में वर्चस्व को लेकर जंग चल रही है और आईआईएमटी यूनिवर्सिटी प्रशासन पूरी तरीके से हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जो कभी भी किसी बड़ी घटना या बड़े हादसे की जो वजह है वो बन सकता है। अब आप खुद देखिए कि किस तरीके से जो यूनिवर्सिटी आईएमटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं और दो गुट बताए जा रहे हैं, एक अभिषेक गुट है और दूसरा उदित बीटा ग्रुप है, और इन दोनों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग चल रही है। कल बाइक से और कार से सवार होकर तमाम जो छात्र हैं वो आपस में इकट्ठा हुए और उसके बाद कहा सुनी के बाद मारपीट पथराव और फायरिंग हो गई और पूरी घटना जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कैद हो गई है। ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं, लेकिन आप ये खुद देखिए कि जो छात्र पढ़ने के लिए आए हैं जिनके हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए उनके हाथों में तमंचे हैं, फायरिंग करते हैं, दहशत फैलाते हैं, भगदड़ मच जाती है, लोग भाग खड़े होते हैं और उसके बाद जो भावनपुर थाना पुलिस, गंगानगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। आप सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई और उसके आधार पर जो पुलिस है उसने जांच करनी शुरू कर दी है कि आखिर ये आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के कौन से छात्र हैं जो वर्चस्व को लेकर आपस में फायरिंग और पथराव कर रहे हैं। लेकिन मामला बेहद गंभीर है, इस मामले में पुलिस ने मुकदमा कायम कर लिया है, कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं और कुछ छात्र जिस समय फायरिंग हुई तो जब वर्चस्व की जंग चल रही थी तो अपनी बाइक छोड़कर विभाग खड़े हुए, दो बाइकें कब्जे में ली गई हैं, खोखे मौके से बरामद किए गए हैं, कुछ छात्रों की पहचान हो गई और हो सकता है कि आज पुलिस कुछ हमलावर छात्रों को जो गिरफ्तार कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल आईएमटी प्रशासन पर उठता है कि अक्सर यहाँ पर वर्चस्व को लेकर छात्रों में मारपीट होती रहती है, फायरिंग होती रहती है, कभी भी छात्रों के गुट आपने सामने आ जाते हैं लेकिन कभी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया। प्रोक्टोरियल बोर्ड क्या कर रहा है, जो बाकी अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, वरना कभी भी ये वर्चस्व की जंग, आप ये सोचिए कि आमने सामने यदि गोलियां चलती छात्रों को भी लग सकती थी, किसी और शख्स को रहा गुजरते शख्स को भी लग सकती थी, तो कहीं ना कहीं ये निरंकुश शायद होते जा रहे हैं। पुलिस ने किन धाराओं में केस दर्ज किया है सनुज? हाँ देखिए, पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है कि सार्वजनिक तौर से आते जाते रास्ते पर फायरिंग करना, अब पथराव करना, बलवा, तमाम ऐसी धाराएं हैं जो पुलिस ने इसमें कायम कर ली है और पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण बेहद नाराज और बेहद सख्त पुलिस पर नजर आए और सीधा कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज सामने आ रही है इसमें जिन जिन छात्रों की पहचान है उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें और इस मामले में इनको भी चेतावनी दे दी गई है आईएमटी प्रशासन को कि लगातार छात्रों में वर्चस्व की जंग, आपस में कहासुनी की बातें आती रहती है, आखिर आईएमटी यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कर रहा है, क्या किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले में सख्त एक्शन लेने की जरूरत है वरना कोई बड़ी घटना हो जाएगी और उसके बाद आप जानते हैं कि तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी। कहीं ना कहीं आईएमटी विश्वविद्यालय जो प्रशासन है इसकी बड़ी लापरवाही भी सामने है कि छात्रों पर वो अंकुश नहीं लगा पा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस जिस तरीके से दबिश दे रही है, कई टीमें गठित कर रही है, कब तक ये छात्र हफ्ते चढ़ते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।